हरिद्वार की पावन भूमि पर मां मनसा देवी का मंदिर स्थित है बिल्वा पर्वत पर, जो कि सबसे दक्षिणी छोर है हिमालय पर्वत की। यह मंदिर बिल्वा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 5 तीर्थों में से एक। यहां पर आप सीढ़ियों का भी प्रयोग कर सकते हैं मंदिर तक पहुंचने के लिए, और आप साथ ही रोपवे का भी सुविधा उठा सकते हैं, जो कि आपको महज 5 मिनट में ऊपर मंदिर के प्रांगण में आपको पहुँचा देगी। रोपे के फैसिलिटी में आपको खाने पीने के वस्तुएं के साथ साथ पूजा सामग्री भी वहां पर उपलब्ध मिल जाएंगी, जहां से आप मां मनसा देवी की पूजा का सामान खरीद सकते हो। यहां पर हमें 2 व्यक्तियों का किराया पड़ा 258 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ GST, और यहां पे हर 5 सेकंड में एक आपका रोपवे कार आती है और आप उसमें बैठ कर ऊपर पहुँच सकते हो। जैसे जैसे हम ऊपर पहुंच रहे थे रोपवे के थ्रू, तो हमें पूरे हरिद्वार का नज़ारा अपनी नज़रों के सामने दिख रहा था। ऊपर से पूरे हरिद्वार का नज़ारा अत्यंत ही मनमोहक और प्यारा दिख रहा था। यहाँ पे सभी कुछ हमारे नज़रों के सामने था, पहाड़ से लेकर के गंगा जी, और छोटे छोटे मंदिर भी ऊपर से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे दिखाई दे रहे थे। मंदिर तक पहुँचने के लिए या तो आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, जो कि टोटल 786 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, या फिर आप रोपवे की सवारी लेकर भी यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है, बस दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच मंदिर बंद किया जाता है। मान्यता है कि इस वक्त में मां मनसा देवी का श्रृंगार किया जाता है। देवी मनसा को भगवान शंकर की पुत्री के रूप में पुराणों में मान्यता प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां मनसा की शादी जतकारू से हुई थी और उनके पुत्र का नाम आस्तिक था। मनसा देवी को नागों का राजा वासुकी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता यह भी है कि भक्त जो मुराद लेकर आते हैं, उनकी वह मनोकामना देवी माँ पूर्ण करती है। इस मंदिर में माँ की 2 मूर्तियाँ स्थापित है, जिनमें से एक मूर्ति की 5 भुजाएं और एक मुख्य है, और वही दूसरी मूर्ति की 8 भुजाएं हैं। यहाँ माँ दुर्गा के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। जैसे कि माँ का नाम है माँ मनसा, यानी मन की कामना, ममता की मूर्ति माँ मनसा आपके अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ के दर्शन करने के बाद मन की प्रसन्नता आप साफ साफ मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। एक अलग ही मुस्कुराहट माँ के दर्शन करने के बाद हमें अंदर से प्रदान हुई थी। तो सेकेंड पार्ट में बस इतना ही। जाने से पहले आप सभी से ये निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर दी वीडियो, हिट दी लाइक बटन, और अगले एपिसोड के लिए बने रहिए।